वतन वापसी पर भावुक हुए शिवेंद्र बोले, सभी भारतीय छात्रों की मदद करे भारत सरकार। छात्र शिवेंद्र सिंह की मां ने भारत सरकार का जताया आभार। अपने बेटे की वतन वापसी पर मोदी सरकार को छात्र शिवेंद्र सिंह ने मां की दुआएं दे रही। रूस यूक्रेन युद्ध में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बहराइच छात्र की सकुशल वतन वापसी से परिजनों में खुशी का माहौल है। बहराइच के जरवल सपसा निवासी मनोज कुमार सिंह का पुत्र शिवेंद्र सिंह भी रूस यूक्रेन युद्ध में जेफ्रोजिया में फंस गया। आपको बता दें कि जेफ्रोजिया में फंसने पर शिवेंद्र सिंह के परिजनों ने मोदी सरकार का आभार जताया। रूस यूक्रेन युद्ध में मेडिकल की पढ़ाई करने गए जरवल सपसा निवासी शिवेंद्र सिंह भारत सरकार की मदद से सकुशल घर वापसी से बेहद खुश है। बेटे की सकुशल वतन वापसी से परिवार में खुशी का माहौल है। शिवेंद्र की माता शैला सिंह, पिता मनोज कुमार सिंह, बहन रूपाली सिंह और चाचा कौशल किशोर ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज सिंह, बहराइच। वहाँ हमेशा भय का माहौल है सर, वहाँ पे फाइटर प्लेन ऊपर से निकलते हैं तो लगता है सर अब कहीं भी हमला हो सकता है। जैसे हम लोग वहाँ बंकरों में छुपे बैठे रहते थे, सायरन बजता था, हम भाग के बंकर में जाते थे, फिर आते थे खाना वगैरह बनाने के लिए, लेकिन हम पहुँच नहीं पाते थे खाना बनाने के लिए या खरीदने के लिए कोई चीज़ें, क्योंकि तुरंत फिर सायरन बज जाता था, हमें तुरंत फिर भाग के जाना पड़ता था। सर अभी जिस दिन ये मीटिंग वगैरह हुई है, फिर उस दिन हमें मौका मिला निकलने को, हमारी इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजी जारी की कि उस दिन हम निकल के बॉर्डर की तरफ जाएं। सर फिर हम लोगों ने उस दिन ट्रेन पकड़ के सर हम लोग पहुंचे बॉर्डर की तरफ, फिर वहां सर टाइम लगा बॉर्डर क्रॉस करने में, करीब 50-60 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। उसके बाद जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया, फिर उधर हमें इंडियन एम्बेसी की काफ़ी मदद मिली, इंडियन एम्बेसी ने हमें उधर होटल में रोका, फिर वहाँ खाना वगैरह खिलाया, फिर फ्लाइट की सहायता से हमें वापस भेजा दिल्ली, फिर दिल्ली में हमें रोका गया यूपी भवन में, वहाँ खाना वगैरह खिलाया गया, फिर हमें वहाँ की निजी गाड़ियों से हमें घर तक भेजा गया। सर कैसे हालात हैं यूक्रेन के? सर हालात सर आप तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप वहाँ पे थे। सर हालात वहाँ सर दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं सर। हम लोग जो है यहाँ समाचार माध्यम या टीवी चैनल माध्यम देख रहे हैं कि रूस लगातार जो है हमले कर रहा है। जी जी लगातार वहाँ फायरिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है सर वहाँ पे। सर हमेशा धमाकों की आवाज आती रहती है। इन हालातों में जो भारत का विदेश मंत्रालय है वहाँ से आपको कितनी सहायता मिली? सर हमें अगर जो सहायता मिल रही है सर हमें बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मिल रही है सर। बॉर्डर क्रॉस करने से पहले इधर कोई सहायता नहीं हो पा रही क्योंकि यहाँ पर पूरे कंट्री में युद्ध का माहौल है सर। कितने छात्र होंगे अभी? सर करीब वहाँ पे सर पहले तो थे करीब 18,000 से 20,000 छात्र थे, अभी करीब में जो खारकिव सिटी में फंसे पड़े हैं या जो सर की वगैरह में फंसे पड़े हैं तो वही बचे, लेकिन मैक्सिमम सर निकल चुके हैं सर वहाँ से अभी तो। अब आपके साथ ठीक कर रहे हैं? अभी सर मोदी सरकार का आभार है सर, हम सकुशल घर वापस आ गए सर। कितने टाइम पहुंचे थे आप? सर हमें टाइम लग गया, 3-4 दिन का सफर रहा, पूरा जर्नी रहा सर, लेकिन फिलहाल लास्ट में घर पहुंचे इसलिए ज्यादा हार्दिक प्रसन्नता है। परिवार के साथ कैसे क्या महसूस कर रहे हैं? सर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अभी तो। बच्चा हमारा वापस आ गया, हमको बहुत महान खुशी हुई, हम मोदी सरकार के आभारी हैं।